क्या आप जानते हो कि अगर हम एक कप पोहे से ये ऐसा नाश्ता चटपटा और चटाकेदार बना सकते हैं। तो चलो बनाते हैं अपना ये नाश्ता। तो हमने लिया है यहाँ एक कप पोहा, और इसमें डालेंगे हम पानी, 2 से 3 कप पानी को इसमें भिगो देंगे। इस पोहे के लिए हमें पानी चाहिएगा, नॉर्मल पानी लेंगे और इसको हम भिगो देंगे। लग रही थी छोटी मोटी भूख, तो मैंने चाय बनाई, चाय के साथ बनाया आज ये वाला नाश्ता। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4, 4:30, तो मैंने चाय रख दी और बनाया ये नाश्ता। अभी ज्योति आने वाली है, वो भी खाएगी और मैं भी खाऊंगी। तो चलो बनाते अपना नाश्ता। तो मैंने इसको भिगो के रख दिया था, जल्दी भीग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और इसको हम जैसे आटा गूंदते हैं ना, वैसे हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे, बिल्कुल ये डो फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम आटा होता है ना, वैसे ये बन जाएगा। इसको अब आपको लग रहा होगा कि हम इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं, मिक्सी में पीसने से ये पतला हो जाएगा, तो इसके बड़े बनेंगे नहीं। आज हम पोहा बड़ा बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको सारी वीडियो मेरी ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ में हम बनाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल आटे की तरह गूंद लिया था, बिल्कुल ऐसे गूंद के तैयार हो गया था। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप कोई तामझाम नहीं है। ये है हमारी पास में हरी मिर्च और करी पत्ता, कसूरी मेथी, और इसको हम सबको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा जीरा, इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी। आप जितना चटपटा करना चाहते हो तो इसको हरी मिर्च से जितना भी चटपटा करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो, और मैं थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि हमने अभी खाना है। तो और अब मैंने मिलाया इसके अंदर चावल का आटा। आप इसके अंदर सूजी भी मिला सकते हो बारीक करके, बिल्कुल अगर बारीक वाली सूजी है तो उसको भी आप पाउडर फॉर्म में ला के बना सकते हो। बाकी ये इसमें चावल का आटा मिलाएंगे, और चावल का आटा मिलाने के बाद में इसको अच्छे से गूंद लेंगे। फिर हम मिलाएंगे इसमें दही 2-3 चम्मच, जितना आपको चाहिएगा उसमें देखना पड़ता है कि हमारा जो डो बनेगा बिल्कुल जैसे हम आटा मलते हैं रोटी बनाते हैं, वैसा ही हमें इसका डो चाहिए। ना हमें टाइट चाहिए, ना हम बहुत ज़्यादा ढीला चाहिए, मतलब बीच का सोमी इसका डो बना लेंगे। और डो बनाने के बाद में इसको थोड़ी देर रखेंगे नहीं, हम फटाफट से रखेंगे फ्राई पैन, और इसमें हमने डाला ऑयल और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। और ऑयल हमारा जब तक गर्म होगा तो हम इसके बना लेते हैं बड़े। तो वो देखो मैं कैसे बना रही हूँ, इसको मैंने गोल गोल किया, थोड़ा सा और ले लिया, उसको मैंने गोल गोल किया, और इसको मैं ऐसे हाथों से पहले इसकी शेप बना के इसको हथेली से थोड़ा सा दबा दूँगी, और चारों तरफ से इसको ऐसे दबा दूँगी। अगर ये ज़्यादा देर तक आप इसके डो को रखोगे तो ये फटने लग जाएगा। इसको साथ के साथ बना लेंगे हम। आपके पास धनिया है तो आप इसमें धनिया डाल सकते हो, आज मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है। मैंने सिर्फ इसमें करी पत्ते और कसूरी मेथी, हरी मिर्च, अदरक, इसमें हम होल करेंगे। इसको आप बिना होल के भी तल सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर आप होल कर दोगे तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। इसके लिए तो मैंने इसको ऐसे बना लिया, बड़ा बन के हमारा रेडी हो गया। एक बना लिया, दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ आपको। और आप जितना भी बनाना चाहते हो, क्योंकि मेरे को लग रही है इस टाइम भूख, तो बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ इसको। और चाय, उधर मेरी चाय बन रही है, इधर मैं इसको बना रही हूँ। जब तक ये बन के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको, 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाए। लेकिन इसकी जो गैस को रखेंगे हम लोग, बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो हमारे ये 6 बड़े बन के तैयार हो गए, खाने वाले हैं हम 3, और आरती खाएगी नहीं क्योंकि उसके पेट में ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो उसको मैं नहीं दूंगी क्योंकि मीठा बहुत खा लिया उसने। तो इसको हम बिल्कुल मीडियम, देखो ज़रा से भी इसके अंदर बुलबुले नहीं है, जैसे हम डालेंगे ना वैसा, ऐसा गरम तेल होना चाहिए। ज़्यादा गरम होगा तो ये ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम
करके सेकेंगे और इनको थोड़ी देर बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। और इनको ऐसे पलट देंगे, उलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होता है कि सबको जो भी देखेंगे हो सकता है कि वो अच्छा लगे तो वो बनाएं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब में भी पैसा नहीं लगता, लाइक करने में भी पैसा नहीं लगता, कमेंट्स करने में पैसा नहीं लगता। तो आप ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर करें। तो मैं इसको गोल्डन ब्राउन सेकने पे, और देखो ये कितना अच्छा तैयार हुआ है सेक के। ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे बना के भी इंजॉय कर सकते हो। ये मैंने निकाल लिया और इसको भी मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा बचा हुआ है ना जगह, उसमें मैं इसको डाल दूँगी। दूसरा भी निकाल लिया, अब ऐसे करके मैं सारे निकाल लूँगी। अब ये हमने निकाल लिए, रखेंगे एक प्लेट में। और देखो कितने अच्छे गोल्डन सिक्के तैयार हुए हैं बिल्कुल। और ये भी हमारे सिक चुके हैं, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं सॉस के साथ में आज हम इंजॉय करेंगे इसको। छोटी मोटी भूख हो, बच्चों का लंच हो, टिफ़िन में डाल सकते हो, बड़े भी खुश बच्चे भी खुश। तो ऐसे आप पोहे से बड़ा बना सकते हो, बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा आपको कि ये पोहे से बना हुआ बड़ा है। आप इसको कैसे भी बना के रख लो, आप अगर अभी नहीं खाना चाहते तो इसको बना के फ्रिज में रख दोगे तो भी इसको आप जब चाहे तल के खा सकते हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लग रही है? तो ये है हमारी सॉस और ये हमारी बड़े। कैसी लग रही है रेसिपी? अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ चाय और बड़े, और मैं कर रही हूँ चाय के साथ में बड़े को एंजॉय। तो आप भी कीजिएगा ऐसे ही बना के अपने परिवार के लिए। आप कोई पार्टी होती है उसके लिए भी इसको बना के रख सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी होती है जैसे बच्चों के जन्मदिन पे, नाश्ते में बना सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी बनता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप चटपटा कितना रखते हो। इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए सबको बाय।